आईपीएल 2022 को लेकर बड़ा अपडेट आज गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच काटी की टक्कर। आईपीएल सीजन 15 के 51वें मुकाबले में आज गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस की टीम आमने सामने होगी। ये मैच मुंबई के प्रेबोर्न स्टेडियम में खेला जाएगा। गुजरात की बात करें तो वह पॉइंट टेबल पर टॉप पर चल रही है, जबकि मुंबई आखिरी स्थान पर मौजूद है। राजस्थान को हराकर आखिरकार मुंबई इंडियंस ने सीजन की पहली जीत हासिल की है। तो वह गुजरात को लास्ट मैच में पंजाब के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। वही गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या ने बताया कि पंजाब के खिलाफ उन्होंने टॉस जीतकर जानबूझकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। दरअसल वे देखना चाहते थे कि मुश्किल परिस्थितियों में उनके खिलाड़ी कैसा परफॉर्म करते हैं। वही नतीजा ये रहा कि पंजाब ने टारगेट को 16 ओवर पहले ही चेज कर लिया। हालांकि बाद में हार्दिक पांड्या ने कहा कि उनकी टीम इस मुकाबले से सीखकर आगे के मुकाबलों को बेहतर करने का प्रदर्शन यहाँ पर जो प्रयास है वो करेगी, यानी जो आने वाले मुकाबले हैं उनमें बेहतर प्रदर्शन करेगी। वही राहुल तेवते एक शानदार मैच फिनिशर है, लेकिन जब टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरती है तो उनका बल्ला कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाता। वही मोहम्मद शमी ने भी यहाँ पर सीजन की शुरुआत में पहली बार पावर प्ले में 3 विकेट नहीं लिए थे, यानी पहली बार वो ऐसे रहा है जो कि उन्होंने यहाँ पर पावर प्ले में कोई विकेट यहाँ पर नहीं लिया। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे उनकी जो गेंद है वो यहाँ पर उनकी जो गेंद है उन पर धार यहाँ पर गायब होती दिखी। वही लिविंगस्टोन ने यहाँ पर उनकी गेंदबाजी के दौरान ताबड़तोड़ यहाँ पर प्रहार किए थे और 117 मीटर का एक 2000 छक्का भी उन्होंने इसी पारी में चढ़ा था गुजरात के खिलाफ मोहम्मद शमी की गेंद पर। पर शमी को अपने प्रदर्शन में निरंतरता अपनानी होगी। बात करते हैं मुंबई इंडियंस की, तो मुंबई इंडियंस के लिए परिस्थितियाँ जो है कुछ अलग है। मुंबई इंडियंस के लिए अब इस प्रतियोगिता में कुछ भी पाने के लिए बाकी नहीं बचा है। कप्तान रोहित शर्मा पहले ही इशारा कर चुके हैं कि जिन खिलाड़ियों को अब तक टीम में खेलने का मौका नहीं मिला है उन्हें भी अवसर यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ से मुंबई के ऐसे खिलाड़ियों यहाँ पर आज के इस मैच में मुंबई ऐसे खिलाड़ी को आजमा सकती है जो आने वाले वर्षों में प्लेइंग 11 का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकते हैं। वही ईशान किशन, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से टीम इंडिया का यहाँ पर हिस्सा हो सकते हैं। ऐसे में फैंस को उम्मीद रहेगी कि ये खिलाड़ी पूरी तरह से फॉर्म में वापस लौट आए। बात करते हैं दोनों टीमों के आज के मैच की संभावित प्लेइंग 11 की, तो गुजरात टाइटंस की संभावित प्लेइंग 11 की बात करें तो विकेट कीपर दीमान शाह, शुभमन गिल, सुदर्शन और डेविड मिलर और अभिनव मनोहर ये बल्लेबाज रहेंगे। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और राहुल तेवतिया और राशिद खान है। तो वही गेंदबाज रहेंगे अल्जार जोसफ और मोहम्मद शमी और लोकी फर्गुसन। वही बात करते हैं अब मुंबई इंडियंस की संभावित आज की प्लेइंग 11 की, तो आज मैच में रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, डेविड बेविस और इसके अलावा तिलक वर्मा, किरण पोलार्ड, एलन और इसके अलावा मुर्गिन अश्विन, बुमराह, मिल्स और जयदेव नकट। इसमें बदलाव भी हो सकता है, इसमें नए खिलाड़ी को आज मौका भी मुंबई इंडियंस दे सकती है।